डियर स्टूडेंट, मैं लैब में मौजूद हूँ। आज हमारा एक्सपेरिमेंट है तजर्बा करके दिखाए कि सख्त पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन निकाल दें। टू डिमॉन्स्ट्रेट द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स फ्रॉम हार्ड वाटर। अभी पिछले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आप थ्री समझ चुके हैं कि इस प्रैक्टिकल को किस तरह परफॉर्म करना है। दोबारा थोड़ा सा रिव्यू आपको कर देता हूँ। ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो मैंने तीन टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब ए बी सी। इन तीनों टेस्ट ट्यूब में 10 सेंटीक्यूबिक मीटर डिस्टिल्ड वाटर डाला है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब ए के अंदर 0.5 ग्राम सोडियम सल्फेट डालेंगे, मिक्स करेंगे, सोप सॉल्यूशन के चंद ड्रॉप्स गिराएंगे और पुटकियां चेक करेंगे। पुटकियां पता नहीं होंगी तो इससे साबित होगा ये हल्का पानी है। इस तरह टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो हम रिजेक्ट डालेंगे। तो पहले जब टेस्ट ट्यूब बी लेंगे, इसमें पहले आपने क्या करना है कि 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है, फिर 0.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डालना है। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को दो हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्से में सोप सॉल्यूशन के चंद ड्रॉप्स गिराए और पुटकियां चेक करें, पुटकियां बन गई हैं तो ये आधी सख्त पानी है। दूसरे हिस्से को पहले बॉयल करें, कूल करें, फिर उसमें भी सोप सॉल्यूशन के चंद ड्रॉप्स गिराएं और चेक करें कि झाग बनी है कि नहीं है, तो ये अच्छी झाग बनी है तो ये हल्का पानी होगा। तीसरी टेस्ट ट्यूब सी जो है, इसके अंदर 0.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डालें, मिक्स करें। उसके बाद इसके तीन हिस्से करें। फर्स्ट पार्ट में सोप सॉल्यूशन के चंद ड्रॉप्स गिराएं और इसमें आप देखेंगे पुटकियां बच जाएंगी तो ये मुश्किल सख्त पानी होगा। टेस्ट ट्यूब सी के दूसरे हिस्से में को लें, उसको बॉयल करें, कूल करें, उसमें भी सोप सॉल्यूशन के चंद ड्रॉप्स गिराए, पुटकियां बच जाएंगी तो ये भी क्या होगा, मुश्किल सख्त पानी होगा। यानी सख्त पानी बॉयलिंग से नहीं, बॉयलिंग की मदद से भी यानी कि नहीं खत्म हुआ, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, मुश्किल सख्त पानी। टेस्ट ट्यूब सी के तीसरे हिस्से में 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालें, हल करें, उसके बाद फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारें, फिल्टर करें, जो फिल्ट्रेट हासिल होगा उसमें चंद ड्रॉप सोप सॉल्यूशन के डालें, जाल चेक करें, इसमें आप देखेंगे कि अच्छी झाग पैदा हो गई जिससे साबित होगा कि ये हल्का पानी है। अब ये सारा प्रोसेस आपको मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूं, तो आइए लैब के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं सामान का तारफ आपको करवाता हूं जो इस्तेमाल होगा। तो ये देखिएगा, मेरे पास सबसे पहले ये एरन स्टैंड है जो इसमें इस्तेमाल करूंगा। इसके अलावा फिल्ट्रेशन स्टैंड है जिसमें ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर ये फनल लगी है, फनल के ऊपर ये फिल्टर पेपर मैंने लगाया है। इसके बाद ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं। जीडी स्टूडेंट, मेरे हाथ में टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब रैक है। इस रैक के अंदर मैंने टेस्ट ट्यूब रखी हुई है और इनके ऊपर लेबलिंग की है, आपको नजर आ रहा होगा। ये लेबलिंग ए बी वन बी टू सी वन सी टू सी थ्री जो सॉल्यूशन के मुख्तलिफ हम इससे कर रहे हैं। उसके बाद ये मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर, कशीरशुदा पानी है, ये आपने इस्तेमाल करना है। ये छोटे बीकर भी मेरे पास पड़े हैं जिन पे मैंने ए बी और ये सी लेबल लगाए हुए हैं। आप टेस्ट ट्यूब की जगह बीकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिपेट लैंप है, आपको नजर आ रहा होगा, जलाने के लिए माचिस है। उसके बाद ये मेरे पास है जी आएगा सोप सॉल्यूशन, ये आप देख रहे होंगे, साबुन लेके उसको पानी में डिस्टिल्ड वाटर में हल करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका सोप सॉल्यूशन होगा। उसके बाद ये पिपेट है जिसकी मदद से वॉल्यूम लेते हैं हम सॉल्यूशंस का। उसके बाद ये स्टीरर है जिसकी मदद से हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, हिलाते हैं, मिक्स करते हैं। ये ड्रॉपर है। ये मेरे पास स्पैचुला है, चम्मच है जिसकी मदद से साल्ट को हम वेट करते हैं या दूसरे ट्रांसफर करते हैं। और ये आज हमारे केमिकल्स हैं जिसमें ये है कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद ये है सोडियम सल्फेट और ये है सोडियम कार्बोनेट और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ ये पड़ा हुआ है जी इलेक्ट्रिक बैलेंस है, इसके ऊपर ये फिल्टर पेपर है जिसके ऊपर हम साल्ट की जितनी मिकदार लेनी हो लेते हैं, उसके बाद इसको ऑन करते हैं। जब ऑन हो जाता है तो उसके बाद टेप करके जीरो पे ले आते हैं ताकि फिल्टर पेपर का वेट खत्म हो जाए। उसके बाद जिस भी चीज का वेट लेना है इसके ऊपर हम रखते हैं, जितने ग्राम चाहिए वो हम इससे ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं डेमोंस्ट्रेशन की तरफ। आइए जी डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि
तीनों जो टेस्ट ट्यूब हमने ली हैं ए बी और सी, इनमें 10 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे। तो ये मेरे पास पिपेट है जिसकी मदद से मैं एग्जैक्ट वॉल्यूम लूंगा, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 10 0 पे लाएंगे, ये 10 ml डिस्टिल वाटर है, इसको टेस्ट ट्यूब ए में डाल देंगे हम। इसी तरह बी और सी टेस्ट ट्यूब में 10 10 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें, ये भी 10 ml लेंगे। दूसरी जो बी टेस्ट ट्यूब होगी, ये देखिए बी है। अब इसी तरह सी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 10 ml वाटर ऐड करेंगे। जब ये वाटर ऐड हो जाए तो आपने टेस्ट ट्यूब ए में, अभी हमने बात की थी कि 0.5 ग्राम सोडियम सल्फेट डालेंगे, तो ये मेरे पास सोडियम सल्फेट है, ये 0.5 ग्राम हम डालेंगे। लेकिन पहले इसका वेट करेंगे, इलेक्ट्रिक बैलेंस के ऊपर इसको ऑन करेंगे, उसके बाद इसका फिल्टर पेपर का वेट जीरो करेंगे, टेयर कर देंगे, उसके बाद 0.5 ग्राम लेना है। तो ये देखिएगा, थोड़ी सी मिकदार आपने लेनी है। तो ये आप देख रहे होंगे इसका वेट करने का तरीका इलेक्ट्रिक बैलेंस की मदद से। ये देखिए, ये 0.5 ग्राम हो चुका है। अब मैं लूंगा इसको और टेस्ट ट्यूब जो ए है उसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको मिक्स करके थोड़ा सा हिला देंगे, मिक्स करेंगे और इसको अपनी जगह पर रखेंगे। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि चंद ड्रॉप्स सोप सॉल्यूशन के डालेंगे टेस्ट ट्यूब ए के अंदर। ये मेरे पास सोप सॉल्यूशन है, यहाँ से मैं पिपट की सॉरी ये ड्रॉपर की मदद से कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर गिराऊंगा। ये देखिएगा, और इसको हल करूंगा। हल करने के बाद देखेंगे कि ये प्रेसिपिटेट बनती है या नहीं बनती। ये देखिए, इसको आप इस तरह मिक्स भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहां पे आपको प्रेसिपिटेट नजर नहीं आई, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ये क्लियर सॉल्यूशन बन चुका है, तो इसका मतलब है कि ये नरम पानी है, सॉफ्ट वाटर है। अब क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने बात की थी कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, पहले हम क्या करेंगे 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो यहां से हम 1 ग्राम लेंगे। आपको वॉल्यूम जो है मिलेगा, ये आ गया 1 ग्राम। अब इस 1 ग्राम सोडियम, ये जो हमने लिया अभी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको टेस्ट ट्यूब बी में डालेंगे। ये डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट जाहिर है जब मिक्स करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। ये हल हो चुका है। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद इसमें 0.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, 0.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। ये मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, तो 0.5 ग्राम इसे लूंगा मैं। ये 0.34 और ये 5.5 ग्राम हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा कैल्शियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, ये लेके इस टेस्ट ट्यूब बी में ऐड करूंगा। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी तेजी से निकल रही इस प्रोसेस से। जी डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा सॉल्यूशन
तैयार हो चुका है। अब इससे ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब बी है इसको अब हम क्या करेंगे, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे इस सोल्यूशन को, क्योंकि हमने इसके लिए दो टेस्ट परफॉर्म करने हैं, लिहाजा इसको दो बराबर हिस्सों में आधा आधा करेंगे। ये देखिएगा, एक पे बी वन मैंने लिख दी, एक पे बी टू लिख दी है, ये दो टेस्ट ट्यूब रेडी है। अब जो बी वन है इसको मिक्स करके अब इसमें चंद कतरे हमारे जो आज के सोल्यूशन है, क्या सोप सोल्यूशन, इसके डालेंगे। ये देखिएगा, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि प्रेसिपिटेट यानी फुटकियां बनी है या नहीं बनी। इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, रिक्वायर है। अगर आप देखें तो ये देखिए आस्ता आस्ता फुटकियां बनना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ी देर हम स्टे देंगे, इसे रखेंगे, उससे वाजह तौर पर फुटकियां में नजर आएंगी। जी डियर स्टूडेंट, अब टेस्ट ट्यूब बी का सेकंड पार्ट लेंगे और इसे गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर इसमें सोप सॉल्यूशन डालेंगे और फिर इसे चेक करेंगे। ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब बी का सेकंड पार्ट है, इसको मैं टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से पकड़ूंगा और सेपरेट टैब के ऊपर गर्म करूंगा। जैसे ही गर्म होगी बॉयल करना शुरू कर दिया इसने, ये आप देख सकते हैं आवाज आ रही होगी बॉयलिंग की आपको, तो फौरी तौर पे सिपर लैंप को बंद कर दें। अब ये गर्म है, अब इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, ठंडे पानी के अंदर इसको यहाँ पे हल्का सा डुबो दूंगा ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। जब ठंडी होगी तो फिर मैं इसके अंदर सोप सॉल्यूशन के चंद ड्रॉप्स गिराऊंगा और मिक्स करूंगा और चेक करूंगा क्या इसमें प्रेसिपिटेट यानी फुटकियां बनी है या झाग बनी है। ये ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। अब इसके अंदर चंद ड्रॉप पहले की तरह सोप के डालूंगा। ये मैंने सोप के कुछ ड्रॉप गिरा दिए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि ये झाग पैदा होती है या प्रेसिपिटेट्स बनती हैं। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको कुछ टाइम के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त तो ये बड़ी क्लियरली आपको झाग नजर आ रही है, तो इसका मतलब है ये हैवी वाटर नहीं है बल्कि ये सॉफ्ट वाटर है जिसने अच्छी झाग पैदा की है। ये देखिए आप अगर गौर से देख रहे हो, वाजह तौर पर नजर आ रहा है कि इस पानी ने झाग पैदा की है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था बी टेस्ट ट्यूब का, अच्छी झाग पैदा की है तो ये हल्का पानी होगा यानी कि सॉफ्ट वाटर। अब हम चलते हैं टेस्ट ट्यूब सी की तरफ। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड 0.5 ग्राम डालेंगे। तो ये मैं इलेक्ट्रिक बैलेंस ऑन करूंगा और 0.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड साल्ट जो है यहां से लूंगा। इसको पहले आपने टेयर कर लेना ताकि फिल्टर पेपर का वजन जीरो हो जाए, उसके बाद 0.5 ग्राम मैंने डाले हैं। ये देखिए आप, तो ये देखिए 0.5 ग्राम एग्जैक्ट वेट हो चुका है। अब मैं लूंगा और इसको इस टेस्ट ट्यूब सी के अंदर डालकर मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा, तकसीम करूंगा, तीन मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये टेस्ट ट्यूब सी है मेरे हाथ में, इसको मिक्स कर रहा हूँ। ये देखिए ये मिक्स हो चुकी है। आप इसके तीन हिस्से करते हैं, इक्वल वॉल्यूम तीनों में होना चाहिए। तो ये
ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास सी टेस्ट ट्यूब थी, उसके सॉल्यूशन को मैंने तीन बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जिसमें आपको ऊपर ये लेबल भी नजर आ रहा होगा C1, C2 और C3। ये देखिएगा, बन जाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जो पहली टेस्ट ट्यूब है C1 वो लूंगा और इसमें चंद ड्रॉप्स सोप सॉल्यूशन के ऐड करूंगा। ये देखिएगा, ये सोप सॉल्यूशन मैं डाल दिया और इसे मिक्स करूंगा, चेक करूंगा कि इसमें फुटकियां बनती हैं या ये डिजोल्व होता है, हल होता है। और अगर आप देखें तो ये बड़ी वाज़ह कलर की फौरी तौर पे प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, फुटकियां वाज़ह तौर पे नजर आ रही हैं आपको। पानी लैदा हो चुका है और प्रेसिपिटेट वाज़ह तौर पर ऊपर है और नीचे पानी है। इसका मतलब है ये C1 जो फर्स्ट पार्ट था इसका, ये फुटकियां वाली और ये मुस्तकिल सख्त पानी है। अब लेते हैं इसका दूसरा हिस्सा सी टेस्ट ट्यूब का, उसको हम बॉयल करेंगे, कूल करेंगे, उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे कि सोप सॉल्यूशन के चंद ड्रॉप्स डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये देखिएगा, ये C2 है, इसको मैं गर्म करना शुरू करता हूं। जैसे ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, बॉयल करना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको ठंडा करेंगे। ये देखिए ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसको मैं ठंडा करूंगा, तो ठंडा करने के लिए, जल्दी ठंडा करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे ठंडे पानी के अंदर डिप करूंगा और इस तरह आप देखेंगे बहुत जल्द ये ठंडी हो जाएगी है टेस्ट ट्यूब। अब इसमें ये देखिए ठंडी हो चुकी है। अब इसमें क्या करेंगे कि सोप सॉल्यूशन डालेंगे, ये देखिएगा, सोप सॉल्यूशन डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और चेक करेंगे क्या प्रेसिपिटेट अभी भी बनी है या खत्म हो चुकी है। अगर अभी भी प्रेसिपिटेट बन गई तो इसका मतलब है कि ये मुस्तकिल सख्त पानी है, परमानेंट हार्ड वाटर है, कि बॉइलिंग से भी ये नहीं खत्म हुई इसकी हार्डनेस। अब देखिएगा, ये देखिए, अगर आप देख रहे हो तो बड़ी ही वाज़ह क्लियर तौर पर प्रेसिपिटेट आपको नजर आ रही है, इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट फुटकियां ये नजर आ रही होंगी आपको। तो इसका मतलब है कि ये परमानेंट हार्ड वाटर है, मुस्तकिल सख्त पानी है, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट जो बनी है वो वाजे नजर आ रही है आपको। अब इसके बाद तीसरे हिस्से की जानिब चलते हैं हम, टेस्ट ट्यूब सी के थर्ड पार्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट 1 ग्राम ऐड करेंगे। सोडियम कार्बोनेट हम 1 ग्राम लेंगे और इसके अंदर डालकर मिक्स करेंगे। ये जी 1 ग्राम जो मैं अभी आपके सामने, मैंने इलेक्ट्रिक बैलेंस की मदद से सोडियम कार्बोनेट लिया है, इसको मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करूंगा। ये ऐड कर दिया, उसके बाद इसको मैं मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से अब इसको मैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारूंगा। अब इस सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। जो C3 तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है सी सॉल्यूशन का, तो जो फिल्ट्रेट नीचे हमें हासिल होगा उसको लेंगे फिर हम, और
उस फिल्ट्रेट को लेके उसमें सोप सॉल्यूशन डालेंगे और फिर प्रेसिपिटेशन चेक करेंगे। ये देखें ड्रॉप नीचे आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि ये ऊपर जो बाकी बचेगा साइड वो रेजिड्यू होगा और जो नीचे फिल्ट्रेट हासिल होगा। अभी हम थोड़ी देर में ये मुकम्मल फिल्ट्रेट हासिल करके इसमें सोप सॉल्यूशन डालते हैं। जी डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं नीचे फिल्ट्रेट क्लियर फॉर्म में हमें मिल चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा सी टेस्ट ट्यूब के जो थर्ड पार्ट है उसमें ये ऐड करूंगा, ये देखिए। और इस टेस्ट ट्यूब में अब मैं क्या करूंगा, मजीद चंद ड्रॉप्स जो है सोप सॉल्यूशन के ऐड करके इसको मिक्स करूंगा, ये देखिएगा। ये सोप सॉल्यूशन मैंने ऐड कर दिया, इसको मिक्स करूंगा। और आप देखेंगे कि इसमें झाग पैदा हुई है या नहीं, या प्रेसिपिटेट बने हैं। अगर तो झाग पैदा होगी तो इसका मतलब ये हल्का पानी है, और अगर प्रेसिपिटेट बनी तो इसका मतलब है कि ये सख्त पानी है। ये देखिए कितनी प्यारी सी झाग इसकी बनी है, आप देख सकते हैं, और क्लियर सॉल्यूशन है, कोई इसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल या सस्पेंडेड नजर नहीं आ रहा। और वाजह तौर पे आपको यहाँ पे ये झाग नजर आ रही है बनी हुई सोप की वजह से, ये क्लियर वाटर नीचे से आपको नजर आ रहा है। थोड़ी देर स्टे देंगे तो वाजह तौर पे झाग ऊपर आ जाएगी और ये जो क्लियर सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है ये नीचे बैठ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, तीन सारे सॉल्यूशन एक दफा फिर हम लेते हैं और आपको कंपेयर करवाते हैं कि कौन सा सॉफ्ट वाटर था और कौन सा हार्ड वाटर है। जी डी एस स्टूडेंट, अब ये मेरे पास तमाम पानी के सैंपल्स जो मेरे पास मौजूद थे जिनके अंदर सोप सॉल्यूशन डाल के मुख्तलिफ सॉल्यूशन तैयार किए गए थे, और टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि रिजल्ट बहुत वाजिया है। जिस तरह पहला हमारा केस था ए टेस्ट ट्यूब में कि फुटकियां नहीं पैदा होगी, आप देख सकते हैं कि फुटकियां ए टेस्ट ट्यूब में नहीं बनी हुई है, ये वाजिया क्लियर सॉल्यूशन है, लिहाजा ये हल्का पानी होगा। और टेस्ट ट्यूब बी के हमने दो हिस्से किए थे, पहले हिस्से में आप अगर गौर से देखें तो ये आपको प्रेसिपिटेट नजर आ रही होगी, यहां से ये देख सकते हैं आप, तो लिहाजा ये आधी सख्त पानी होगा। टेस्ट ट्यूब बी का सेकंड पार्ट जो है अगर आप देखें तो बड़ी प्यारी सी झाग इसमें बनी हुई है, अभी हमने देखा था इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, तो ये पानी हल्का होगा सॉफ्ट वाटर। टेस्ट ट्यूब सी जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है आप देखें तो आपको इसके अंदर वाजह तौर पे इनसॉल्युबल पार्टिकल नजर आ रहे हैं, वाजह तौर पे, तो ये मुस्तकिल सख्त पानी होगा। इसका दूसरा पार्ट टेस्ट ट्यूब सी का, इसमें भी देखें तो वाजह तौर पे आपको प्रेसिपिटेट नजर आ रही हैं, फुटकियां नजर आ रही हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल नजर आ रहे हैं, तो ये भी मुस्तकिल सख्त पानी है। इसके बाद टेस्ट ट्यूब सी को अगर आप देखें तो आपको बड़ी प्यारी सी झाग नजर आ रही है ऊपर, ये चेक कर सकते हैं आप, अगर इसको मजीद मिक्स करेंगे तो झाग बनती जाएगी और सबसे ऊपर टॉप पे आपको ये झाग जो है ये नजर आएगी, ये देखिए टेस्ट ट्यूब के ऊपर, ये देखिएगा इस तरह, ये पानी सॉफ्ट वाटर होगा। तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि सख्त पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को निकाल कर उसे सॉफ्ट वाटर में तब्दील कर सकते हैं, उसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस प्रैक्टिकल की समझ आ चुकी होगी, और यकीनन आप सब दोस्तों को और बच्चों को डेमोंस्ट्रेशन की भी समझ आ चुकी होगी। ये वीडियो का दूसरा पार्ट था, पहले पार्ट में मैंने आपको इस प्रैक्टिकल की थ्री समझाई और उसके बाद ये दूसरे पार्ट में मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाई है। तो दोस्तों के प्यार और मोहब्बतों का मशहूर हूँ, खास तौर पर सलीम आमिर साहब हैं प्रिंसिपल स्पिरिट स्कूल चुनिया से, वीडियोस देखकर फरमाते हैं कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। बहुत शुक्रिया सर आपका। इनके स्टाफ मेंबर्स में से सदीक भाई हैं जिनका कहना है कि पटना जपटना जपटकर लिपटना है लहू को गर्म रखने का एक बहाना, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टाफ मेंबर्स में से जमील अकबर साहब हैं जो साइंस टीचर भी हैं, इनका भी कहना यही है कि साइंस का इलम प्रैक्टिकल के बगैर बेमानी है। हिस्कील साहब हैं एपीएस चुनिया से, साइंस टीचर हैं, कहते हैं कि वीडियोस देखकर
बहुत मजा आता है। तो अल्लाह ताला जी आपको खुश रखे, एंजॉय करते रहे इन वीडियोस को देखकर। इसी तरह आप इनके अलावा तौफीक साहब है स्पिरिट स्कूल से चूड़िया से, वीडियोस देखकर कहते हैं कि जो बच्चा प्रैक्टिकल सीख लेता है वो जिंदगी की दौड़ में कभी भी पीछे नहीं रह सकता। इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टूडेंट्स जिनके व्यूज और कमेंट्स के बगैर प्रैक्टिकल का काम आगे नहीं बढ़ता, उनके पॉजिटिव फीडबैक का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनमें कासिम अरशद समनाबाद लाहौर से हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, केमिस्ट्री को अक्सर मुसीकी समझकर गाते हैं कि सारे गमा पता नहीं सारे सारे गमा पता नहीं सारे, इनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल वदूद मीर समनाबाद लाहौर से हैं, वीडियोस देखकर हमेशा दुआएं देते हैं। इन सब दोस्तों और बच्चों की प्यार का, मोहब्बत का, शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियोस तक इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि किसी और बच्चे को भी इस डेमोंस्ट्रेशन की समझ आ जाए और वो भी फ्यूचर में कामयाब हो सके। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।